अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। जैसा कि आपको आइडिया है, UPN यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क आपको अपडेट रखता है टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, लाइक ऑल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जिनमें लोग बाइंग करते हैं, उनके करंट स्टेटस के हवाले से, या जो अपकमिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पोटेंशियल के हवाले से। और प्लस हमारी ये कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, और प्रॉपर्टी बाय करने में आप उस प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। तो आज भी हमारी इसी तरह की एक डिस्कशन है। नॉर्मली आपने एक टर्म सुनी होगी, प्लॉट फाइल्स और पोजेशन प्लॉट्स। तो इसमें जो लोग बाइंग करते हैं, आज की डिस्कशन उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली हमारे क्लाइंट्स से, इन्वेस्टर्स से होती हैं, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ बाइंग प्लॉट फाइल्स। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि प्लॉट फाइल्स और पोजेशन प्लॉट्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट फाइल्स के बारे में आपको बताऊँगा। प्लॉट फाइल्स का जहाँ पर भी नाम आए, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज की प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी है, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। प्लॉट फाइल जो है किसी भी प्लॉट का समझने के वेरी फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद उनकी बैलेटिंग होती है, उसका मैप लॉन्च होता है, डेवलपमेंट होती है, प्लॉट्स ऑन ग्राउंड आते हैं, तमाम यूटिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, और उसके बाद लास्ट में जाके पोजेशन मिलता है। पोजेशन प्लॉट का मैंने जिक्र किया। पोजेशन प्लॉट, जब प्लॉट फाइल इन तमाम प्रोसीजर्स से गुजर जाती है, तो वो लास्ट स्टेप पे जो होता है वो फिर आपका प्लॉट होता है और पोजेशन प्लॉट होता है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। प्लॉट फाइल्स के केस में आपके प्लॉट की लोकेशन फाइनलाइज नहीं होगी। प्लॉट फाइल्स में जब भी आप बाइंग करेंगे, आपकी एक तो लोकेशन फाइनलाइज नहीं होगी, दूसरा उसमें आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, वो जो भी प्लान है 2 साल 2.5 साल 3 साल का, आप उसमें बाइंग करेंगे और उसके साथ साथ फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स देते जाएंगे। टाइम के बाद जाके आप कह सकते हैं कि आपको पोजेशन प्लॉट मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि आप कह सकते हैं कि प्लॉट फाइल्स के केस में आपको प्लॉट नंबर अलॉट नहीं होता, प्लॉट का मैप नहीं है, प्लॉट की बैलेटिंग नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लॉट फाइल्स के केस में नहीं मिलेंगी। दूसरा डिफरेंस जो आप इसमें देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि प्लॉट फाइल आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स पर मिल जाती है, जबकि पोजेशन प्लॉट्स जो हैं, रेडी टू कंस्ट्रक्शन जो प्लॉट्स हैं, वो आपको फुल पेमेंट पे मिलते हैं। तो ये भी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करें तो वो ये है कि प्लॉट फाइल्स और पोजेशन प्लॉट में ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन करनी है तो डेफिनेटली आप पोजेशन प्लॉट बाय करें और फुल पेमेंट पे बाय करें, और अगर आपने फुल पेमेंट पे नहीं बाइंग करनी, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन का इशू नहीं है फौरी, तो फिर आप प्लॉट फाइल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन से डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। कॉमन मिस्टेक्स की मैंने बात की जो हमारे इन्वेस्टर्स से नॉर्मली होती हैं जिस वक्त वो प्लॉट फाइल्स में बाइंग कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लॉट फाइल्स में बाइंग करते हुए नॉर्मली होता ही है कि जिस वक्त हम लोग स्पेसिफिकली जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो प्रॉपर्टी में आ रहे होते हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको बहुत क्लियर आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि ख़ास तौर पे जिस वक्त इन्वेस्टमेंट आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपको एक चीज़ ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रही होती है, तो सारा फोकस क्या करते हैं, प्राइस के ऊपर रखते हैं। प्लॉट फाइल्स की प्राइस को देखते हुए वो कहते हैं कि ठीक है, हमें ये प्लॉट ख़रीदना चाहिए, प्लॉट का वर्ड यूज़ करते हैं जबकि वो बेसिकली प्लॉट फाइल्स होती हैं। ठीक हो गया, इजी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, डाउन पेमेंट आप देते हैं, बाद में आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं और आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कम प्राइस पे, इजी इंस्टॉलमेंट्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप बिल्कुल स्किप कर देते हैं इस चीज़ को कि आपने ये भी देखना था कि डिवेलपर कौन है। डिवेलपर के ऊपर आप फोकस ही नहीं करते, डिवेलपर की आप लोग गुडविल नहीं देखते, डिवेलपर के ऑल प्रोजेक्ट्स और उन ऑल प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनका फीडबैक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग नहीं देखते। सिर्फ ये देखते हैं कि एक प्लॉट है, हमें 20 लाख में मिल रहा है, थोड़ी सी डाउन पेमेंट है और इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसको हमें फौरी बाय करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट फाइल बाय करते हुए स्पेसिफिकली आपने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है आपके डिवेलपर। डिवेलपर कौन है, उनका करंट स्टेटस क्या है, उन्होंने जो पहले प्रोजेक्ट्स दिए उनके इन्वेस्टर्स की अभी की क्या सूरत हाल है। वो सूरत हाल या तो ये हो सकती है कि वो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रॉफिट होगा, या अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी थी तो डिलीवरी से ये मुराद है कि जो आपने वादा किया था इंस्टॉलमेंट प्लान के रिगार्डिंग, आपका 2 साल का प्लान था, 2.5 साल का प्लान था, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने डिलीवर ऑलरेडी किया है, नहीं किया, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है उनके इन्वेस्टर्स का, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवेलपर पे लाजमी फोकस करना है और उनके ऑल प्रोजेक्ट्स और उनके इन्वेस्टर्स के फीडबैक पे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये देखने के लिए कि जहाँ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ आपको किस तरह का फीडबैक जो है या किस तरह का रिस्पॉन्स जो है
वो मिल सकता है डेवलपर की तरफ से। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपर के बाद लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो सोसाइटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या वो आबादी से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है या सिटी के मेन एरिया से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है कि जहाँ पे आपको इतनी थोड़ी डाउन पेमेंट पे इतने इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे 5 मरला या 10 मरला का प्लॉट जो है वो अलॉट कर रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी माइंड में रखना चाहिए कि आपकी सोसाइटी की लोकेशन क्या है, उस पर भी आपको प्रॉपर वर्किंग करना चाहिए, तो ये चीज़ भी आप लाजमी देखें। तीसरी चीज़ जो कॉमन मिस्टेक आप कह सकते हैं नॉर्मली होती है इन्वेस्टर से, वो ये है कि वो पेमेंट प्लान को एनालाइज़ नहीं करते। मींस के अगर कोई आपको चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंट है और वो आपको बता रहे हैं कि ये 4 साल का प्लान है या 5 साल का प्लान है, इस स्पेसिफिक प्लॉट की पेमेंट आपने 5 साल के अरसे में करनी है, लेकिन आपको वो साथ में ही कह रहे हैं कि 5 साल के अरसे में पेमेंट होगी, प्लॉट आपका रेडी हो जाएगा 2 साल में, तो ये चीज़ थोड़ी सी लॉजिकल नहीं लगती। आपने पेमेंट प्लान के टाइम पीरियड को एनालाइज़ करना है कि अगर कोई डेवलपर 5 साल का प्लान दे रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं है कि आप 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स दें तो वो आपको 2 साल में पोजेशन भी दे दें। थोड़ा सा आपको माइंडसेट उस वक्त रेडी कर लेना चाहिए कि अगर ये प्लान 5 साल का है तो इसमें 4 साल 5 साल या इवन 5 साल से ज़्यादा 6 साल का अर्सा भी लग सकता है। इसी सिनेरियो में अगर वो पेमेंट प्लान 2 साल का है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 2 के 3 साल हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको उसके बाद प्लॉट्स भी अलॉट हो जाएंगे, वहाँ पर डिवेलपमेंट भी हो जाएगी, वहाँ पर पोजेशन भी मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप दोनों सिनेरियोज में देख सकते हैं, वेदर आप इन्वेस्टर हैं या आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इन्वेस्टर्स के लिए तो प्लॉट फाइल्स बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है अगर वो ये सारी वर्किंग करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ख़ास तौर पे कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो बनाना तो घर चाह रहे होते हैं लेकिन इशू ये होता है कि वो अपफ्रंट पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते और वो फिर इंस्टॉलमेंट प्लान्स की तरफ जाते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी, हम उस टाइम पे घर बना लेंगे। तो उनको भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जितना टाइम पीरियड पेमेंट प्लान का दिया जा रहा है उसके मुताबिक ही उनको प्लॉट मिलेगा। तो प्लॉट मिलेगा तो डेफिनेटली कि प्लॉट डिवेलप होगा या वहाँ पर पोजेशन मिलेगा, तो वो चीज़ें दोनों तरह से या आप घर बना सकते हैं या आपने उसको रीसेल भी करना है, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पर डिलीवर अच्छे तरीके से किया गया होगा, अच्छी तरह से वहाँ पर डिवेलपमेंट होगी, तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट भी होगा। तो इन्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ये चीज़ इस तरह से पेमेंट प्लान की साइकी होती है डेवलपर की, जो वो टाइम पीरियड दे रहे होते हैं, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एक और चीज़ ये है कि आपको उस स्पेसिफिक एरिया की गवर्निंग बॉडी का उससे स्टेटस चेक करना चाहिए, उस स्पेसिफिक सोसाइटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो LDA से उसका स्टेटस चेक करें कि क्या LDA की वेबसाइट पे वो मौजूद है, वो सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड है। ग्वादर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो GDA की वेबसाइट को चेक करें कि GDA की वेबसाइट उस स्पेसिफिक सोसाइटी के NOC के बारे में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में क्या कहती है और उसके बारे में उनकी क्या मतलब राय है कि वहाँ पर इन्वेस्ट करें या ना करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई सोसाइटीज़ होती हैं बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट के साथ दे रहे होते हैं, लेकिन LDA की तरफ से या GDA की तरफ से या दूसरी जहाँ की भी गवर्निंग बॉडी है जिस भी स्पेसिफिक सिटी की, उनकी तरफ से इस तरह की न्यूज़ मतलब सर्कुलेट कर रही होती है मार्केट में ओपनली, वो मतलब ये कह रहे होते हैं कि आप इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करें, इनमें इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें फोकस ही नहीं कर रहे होते। और बेसिक फोकस जो होता है वो अक्सर ये होता है कि प्लॉट जो है वो 10 मरले का है, प्राइस उसकी बहुत कम है, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखनी चाहिए वहाँ की स्पेसिफिक गवर्निंग बॉडी से क्या स्टेटस है किसी स्पेसिफिक सोसाइटी का, तो इस पर भी लाजमी काम होना चाहिए। आप जब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो स्पेसिफिकली आप प्लॉट फाइल्स पे इन्वेस्ट करें, उसका पेमेंट प्लान देखने के बाद करें और उसके बाद आपको आइडिया होगा कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें कितनी आपको ग्रोथ मिल सकती है। और अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको प्लॉट जो है पोजेशन प्लॉट चाहिए और आप फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स बाय करें। एक और तरह का इन दोनों के दरमियान में आप कह सकते हैं एक और चीज़ आती है कि होते तो प्लॉट्स हैं लेकिन इंस्टॉलमेंट होने के साथ साथ वो इतनी छोटी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि 3 माह का प्लान, 4 माह का प्लान या मैक्सिमम 6 माह में आपने इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पे करनी है। उस सिनेरियो में आप ये समझ लें कि वो ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 30 लाख का प्लॉट है और सोसाइटी आपसे 4 माह या 6 माह में पेमेंट मांग रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर डिवेलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया होगा, मैक्सिमम 4 से 6 माह में वो आपको प्लॉट डिलीवर भी करेंगे। तो ये चीज़ इन्वेस्टर्स को माइंड में रखनी चाहिए कि वो होंगे तो प्लॉट्स, नंबर के साथ भी बाज़ औक़ात सेल होते हैं, मैप भी मतलब अवेलेबल होता है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट प्लान बहुत छोटा सा होता है। तो जहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान आपको 2 से 2.5 साल का मिलेगा उसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि उसमें क्या होगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली माइंड में रखने चाहिए, मैं लास्ट में एक बार फिर इनको सम अप करूँगा, रिपीट करूँगा ताकि आपको इनका क्लियर आइडिया हो। डेवलपर को लाजमी देखें, डेवलपर के ऑल प्रोजेक्ट्स को लाजमी देखें, ऑल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने डिलीवर किस तरह से किया है उस चीज़ को आपने लाजमी देखना है, और डिलीवर करने के बाद
डेवलपर तो हमेशा सारी बात यही कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड क्या चीज़ नज़र आ रही है, प्लस उनके जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं या वहाँ के जो स्पेसिफिक सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं उनका क्या फीडबैक है उसके ऊपर, उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी देर के बाद उनको डिलीवर किया उस प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो एक तो इस पर फोकस करें, दूसरा उस सोसाइटी की लोकेशन को लाजमी देखें, लोकेशन क्या आ रही है और सिटी के मेन एरिया से उसका स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या है। थर्ड में ये कि गवर्निंग बॉडी से ज़रूर ये चीज़ चेक करें कि उनका NOC का क्या स्टेटस है, क्या उनको वहाँ पे काम करने की इजाज़त है, क्या वो सोसाइटी जो है NOC रखती है स्पेसिफिक एरिया का, लाइक लाहौर है तो LDA से और ग्वादर है तो GDA से, इसी तरह से जो जहाँ की भी गवर्निंग बॉडी है वहाँ से उनके पास NOC मौजूद है या नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। और नेक्स्ट ये है कि आपने कहीं कंस्ट्रक्शन फौरी तो नहीं करनी, बाज़ात ही होता है आपने कंस्ट्रक्शन दो माह में करनी होती है और आप को सही चीज़ कम्युनिकेट नहीं की जाती कि इंस्टॉलमेंट प्लान है लेकिन आपको प्लॉट 2 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। और एक लास्ट में चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा प्लॉट फाइल्स के हवाले से, अक्सर हमारे क्लाइंट्स का ये होता है कि अगर कोई हिडन चार्जेस हैं तो वो बता दें, तो अक्सर कंसल्टेंट्स की तरफ से नॉर्मली होता है कि वो चीज़ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप कह सकते हैं कि कन्वे नहीं की जाती कि प्लॉट फाइल्स के केस में 90% जहाँ पे भी आपको प्लान्स मिलेंगे वो इंस्टॉलमेंट प्लान होंगे जो कि कॉस्ट ऑफ लैंड होगी। कॉस्ट ऑफ लैंड से ये मुराद है कि उस प्राइस के अंदर आपके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कोई 5 मरला का प्लॉट आपको इंस्टॉलमेंट्स पे 30 लाख में प्लॉट फाइल जो है ऑफर कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि 30 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड होगी जो नॉर्मली होती है, और उसके बाद आपके डिवेलपमेंट चार्जेस होंगे पर मरला जो आपने पे करने होंगे। तो ये फ़र्क आपने थोड़ा सा देखना है। बाजू का हमारे क्लाइंट्स 30 लाख को पूरी प्राइस समझ के इन्वेस्ट भी कर देते हैं और इंस्टॉलमेंट्स भी देते रहते हैं, और बाद में उनको आइडिया होता है मिड टर्म में या अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद कि इसमें तो डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो भी अभी हमने पे करने हैं। तो प्रॉपर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका कैपिटल क्या है और कोई चीज़ उसमें हिडन तो नहीं है। बहुत रेयर केसेस में आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी कि जिनमें आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी होगा और उसमें आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं देने होंगे, लेकिन अच्छी बात होगी कि आप अगर अपने कंसल्टेंट से पहले ये चीज़ क्लियर करें कि क्या इसकी टोटल प्राइस क्या है और अगर क्या इस प्राइस में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, स्पेसिफिकली प्लॉट फाइल्स में। नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा फोकस पोजेशन प्लॉट्स पर किया जाए और उसके हवाले से आपको बता सकें कि किस टाइम पे आप वो बाय कर सकते हैं या किस तरह का आपका सिनेरियो है कि जिसमें आपको वो बाय करना चाहिए। इस स्पेसिफिक डिस्कशन के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आप चीज़ जानना चाह रहे हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रूर बताइएगा ताकि उस पर हम आपको अपडेट कर सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अच्छी मजीद वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शो हो रहा है, आप काइंडली मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा आप किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.rupn.com, इसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।